Good morning, lovely children. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. Children, without hard work, nothing grows but weeds. Beta, hard work, mehnat. Mehnat ke bina kuch bhi nahi badhta, kuch bhi grow nahi karta. Agar hame kuch bhi grow karna hai, to hame mehnat karni padti hai. अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो क्या होता है, वीड्स ग्रो करते हैं. वीड्स क्या होते हैं? जंगली पौधे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. यूज़लेस जो प्लांट्स हैं वही ग्रो करते हैं. हम उनको क्या करते हैं, यूज़लेस प्लांट्स को हम निकाल देते हैं ना. तो इसी तरह से जो हमारे बेकार की चीज़ें हैं वही हमारे अंदर बढ़ती हैं, वही ग्रो करती हैं. हार्ड वर्क करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छी बातें हमारे अंदर आती हैं. ठीक है, तो हमें हर काम में मेहनत ज़रूर करनी है, चाहे हम लर्निंग कर रहे हैं, चाहे हम अपने मम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर के कामों में, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मन से करना है, दिल से करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स. सबसे पहले हम भगवान को याद करेंगे, गॉड को याद करेंगे. वी ऑल विल रिसाइट प्रेयर. स्टैंड अप एट योर प्लेसेस, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. Children, today we will continue lesson number 1 of our grammar book, that is nouns. Today we will continue this chapter. Children, the next is abstract nouns. But abstract nouns are words showing qualities, feelings and actions are called abstract nouns. ऐसे words जो कि किसी की feelings, किसी की qualities या फिर किसी के action को show करती हैं, उन words को हम क्या बोलते हैं, abstract noun. These are, for example, laughter, हंसी. हंसी को जो है क्या कर सकते हैं, feel कर सकते हैं ना, है ना, कि वो हंस रहा है. These things cannot be touched. हम इनको छू नहीं सकते. ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम छू नहीं सकते. We can feel only. हम फील कर सकते हैं. आज हम हंस रहे हैं. ये हमारा क्या है, एक्शन है ना. लाफ्टर, लाफ्टर क्या है, एक्शन शो कर रहा है. ठीक है, इसको हम छू तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते. तो लाफ्टर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज ट्रुथ. ट्रुथ किसी
सच जो है, ट्रुथ, सच जो है ये, हम इसको भी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको भी हम छू नहीं सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है? बहादुरी किसी की क्वालिटी होती है ना, कोई बहादुर होता है ना, बहादुरी भी किसी की क्वालिटी है ना, तो उसमें एक्शन भी हो सकता है, किसी ने बहादुरी से कोई काम किया बहुत ही बहादुरी से। तो ये जो है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो किसी के एक्शन को शो करते हैं, किसी की फीलिंग्स को शो करते हैं, या फिर किसी की क्वालिटी को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स। कौन से नाउन्स हैं? काउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। बेटा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नाउन्स जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल बुक। सी दीज आर बुक्स। ये बुक्स है ना बेटा, बुक्स है ये, हम इनको काउंट कर सकते हैं ना। वन टू थ्री, वी कैन काउंट दीज बुक्स। थ्री बुक्स हैं हमारे पास, है ना, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। द नेक्स्ट इज बैग। सी दिस इज अ बैग। ये बैग है हमारे पास, है ना। ऐसे अगर हमारे पास और भी बैग्स होंगे तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, जितने भी बैग्स हों, ठीक है ना, सबको काउंट कर सकते हैं। तो ये भी काउंटेबल हो गया। द नेक्स्ट वन इज पेन। सी वी हैव पेन्स। वन टू थ्री फोर, हम इनको काउंट कर सकते हैं, फोर पेन्स हैं, दीज आर फोर पेन्स, तो इनको काउंट कर सकते हैं। ये क्या हो गए? काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट इज बॉटल। दिस इज वॉटर बॉटल, बॉटल है ना, काउंट कर सकते हैं ना, दिस इज वन बॉटल। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब आपसे पूछे कोई कि आपके हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो आप क्लास में अपने स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपकी क्लास में स्टूडेंट्स उनको काउंट कर सकते हो ना, 40, 45, 35 जितने भी हैं, तो वो आप काउंट कर सकते हो। आप उनको क्या बोलोगे? काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। चिल्ड्रन नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन से नाउन्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल वॉटर। नाउ चिल्ड्रन, हम पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। लुक एट दिस बॉटल, दिस इज अ बॉटल फुल ऑफ वॉटर, वॉटर है ना इसके अंदर, तो हम बॉटल को तो काउंट कर सकते हैं, बॉटल इज अ काउंटेबल नाउन, है ना। लेकिन जो इसके अंदर वॉटर है, इस वॉटर को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, हम काउंट नहीं कर सकते ना पानी को, तो वॉटर इज अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से वी हैव राइस। आप प्लेट में राइस डालते हो, खाना खाने के लिए राइस डालते हो ना, तो आप राइस को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन्स। लाइक दिस सैंड, रेत पड़ी होती है वहीं पे, सैंड पड़ी है ना, हम उसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन्स। बेटा सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? द नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। ऐसे नाउन जो एक चीज को दिखाते हैं, एक ही प्लेस को शो करते हैं और एक ही पर्सन को शो करते हैं, एक ही पर्सन के लिए, एक ही थिंग के लिए, एक ही प्लेस के लिए जब हम कोई नाउन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल बैग। सी आई हैव सिंगल बैग, एक ही बैग है ना ये, दिस इज वन बैग, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पेन।
दिस इज वन पेन, ठीक है, एक ही पेन है ये। नेक्स्ट इज बुक, वन बुक, एक ही बुक है ना। तो ये क्या हो गया, वन वन जहां सारी चीजें हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लूरल नाउन्स, कौन से नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स। इसमें क्या है, द नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। ऐसे नाउन जो कि जहां पे कि मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग के लिए जो हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, अब देखिए बेटा, वी हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स, अगेन मोर देन वन हो गई ना, वन एंड टू, ज्यादा हो गई ना, एक से ज्यादा हो गई ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। देन इज पेंस, ये देखो पेंस, अब मोर देन वन है, वन टू थ्री फोर मोर देन वन है, तो ये क्या बन गए, प्लूरल नाउन्स। देन इज चॉक्स, देखो वन टू, आई हैव टू चॉक्स, तो ये क्या हो गए, मोर देन वन हो गए, एक से ज्यादा हो गए, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल नाउन्स, कौन से नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। दिस इज ऑल अबाउट नाउन्स, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट, सबको समझ में आ गए, यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी क्लियरली। ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू एन एक्टिविटी, सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स, ऑल दीज आर नाउन्स, यू हैव टू सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स आउट ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइस, कैन वी काउंट द राइस, नो वी कांट काउंट देम, सो इट इज अनकाउंटेबल एंड वी हैव टू सर्कल इट। मिल्क, अगेन मिल्क कांट बी काउंटेड, सो वी हैव टू सर्कल इट ऑल्सो। देन इज फ्लावर्स, वी कैन काउंट द फ्लावर्स, सो इट इज काउंटेबल। देन इज बॉयज, वी कैन काउंट द बॉयज ऑल्सो। देन इज बुक्स, वी कैन काउंट द बुक्स। देन वॉटर, कैन वी काउंट द वॉटर, नो वी कांट काउंट वॉटर, सो इट इज अनकाउंटेबल एंड वी हैव टू सर्कल इट ऑल्सो। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Now, let's read aloud this story. A Christmas story. It was the night before Christmas when all through the house not a creature was there, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hope that St. Nicholas soon would be there. A noun is a word that names a person, an animal, a place, or a thing. Nouns are also called naming words. For example, boy, dumb, giraffe, computer. Now we discuss different kinds of nouns. The words used for persons, places, animals, and things are called common nouns. For example, boy, girl, tiger, parrot, spoon, mug, bank, school, etc. Proper nouns. The words used for names of persons, places, animals and things are called proper nouns. They can be a place, a nationality, a language, a brand name, a day of the week, a month of the year, the title of a book or a movie, etc. For examples, Rahu, January,
Sony, Friday, India, etc. Galipo Nouns. The words team, family, and class are collective nouns. In other words, words used for a group of people, animals, and things are called collective nouns. Abstract nouns. The words showing qualities, feelings, and actions are called abstract nouns. For examples, happiness, idea, beauty, knowledge, etc. Countable and uncountable nouns. Countable nouns are those nouns that we can count. For example, computer, book, city, bird. On the other hand, nouns that we cannot count are called uncountable nouns. For example, rain, fog, sand. Singular and plural nouns. The noun that denotes one person, place, or a thing is called a singular noun. On the other hand, the noun that denotes more than one person, place, or thing is called a plural noun. For example, one toffee, singular, two toffees, plural, one bird, singular, two birds, plural. If a singular noun ends in Y and there is a consonant before it, we remove Y and add IES to change it into plural. For example, baby, babies, penny, pennies. For some nouns that end in O, we add S. For some others, we add ES to change them into plural. For example, kangaroo, kangaroos, zero, zeros. For some nouns that end in F or FE, we remove F or FE and add VES to change them into plural. For some other nouns ending in F or FE, we just add S. For example, leaf, leaves. Chef, chefs. Knife, knives. Roof, roofs. Now children, let's do the worksheet. Circle the nouns in the sentences given below. आपने इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, फिर इनमें दिए गए नाउंस को आपने सर्कल करना है. आइडेंटिफाई द नाउंस एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल एंड पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्सेस. साइड में आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, काउंटेबल का भी बॉक्स है और अनकाउंटेबल का भी बॉक्स है. जो भी आपको नाउन सर्कल किया है आपने, अगर आपको काउंटेबल लगता है तो आप काउंटेबल के बॉक्स में उसको टिक लगाओगे, अगर आपको लगता है कि वो नाउन अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे. नंबर वन, ही बॉट अ कार. नंबर टू, डू नॉट टच दैट नाइफ. नंबर थ्री, गिव मी सम वाटर. Number 4, clean the dust now. Number 5, I have 2 balloons.
Next is rewrite the given sentences. Change from singular noun to its plural form or plural noun to its singular form. As the case may be, one has been done for you. बेटा आप इसको ध्यान से पढ़ोगे इन सेंटेंसेस को. जो सेंटेंस सिंगुलर नाउन है जिनमें, उसको आपने प्लूरल में चेंज करके लिखना है, और जो प्लूरल में है उनको सिंगुलर में चेंज करके लिखना है. फर्स्ट एग्जांपल आपको करके दिया है. सी ए पार्ट, द बॉय चेज्ड द पप्पी. अब यहाँ पे बॉय जो है वो सिंगुलर है, और नेक्स्ट नाउन क्या है यहाँ पे, पप्पी. पप्पी भी यहाँ पे सिंगुलर है. अब हमने इन दोनों को प्लूरल में चेंज किया, द बॉयज चेज्ड द पपीज. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू डू रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. बी पार्ट, द शेफ मेड अ पेस्ट्री. सी पार्ट, द पियानोस वर रिपेयर्ड. डी पार्ट, द प्रिंसेसेस रोट स्टोरीज. ई पार्ट, द गीज स्टेयर्ड एट द वॉल्व्स. नाउ इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी. नंबर वन, बिलीव, बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव. बिलीव मीन्स ट्रस्ट, विश्वास करना. वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. नंबर टू, ब्रेक, बी आर ए के ई, ब्रेक. ब्रेक इज द पार्ट ऑफ अ व्हीकल दैट स्टॉप्स इट. किसी भी व्हीकल को जब हम रोकने के लिए कोई पार्ट यूज करते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेक. शी पुट हर फुट ऑन द ब्रेक टू स्टॉप द कार. नंबर थ्री, ब्रेक, बी आर ई ए के. ब्रेक मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टूटना. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. नंबर फोर, ब्लो, बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो. ब्लो मीन्स टू मूव एंड मेक करंट्स ऑफ एयर, किसी चीज को उड़ा देना. द विंड इज ब्लोइंग हार्डर. नंबर फाइव, बिसाइड, बी ई एस आई डी ई, बिसाइड. बिसाइड मीन्स नियर, नियर टू, बगल में या पास में. ही सैट बिसाइड हिज मदर. चिल्ड्रन, येस्टरडे वॉज 18th April एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे. वी सेलिब्रेट दिस डे ऑन 18th of April ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर. हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से 18th April को. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज क्या है बेटा? जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, हमारी ये एसेट्स हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमें ये विरासत में दी हैं, ये विरासत जो है, धरोहर जो है, हमारे बुजुर्गों द्वारा दी गई, इसको हम बोलते हैं हेरिटेज. क्या करते हैं हम इस दिन? व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं इस दिन? वी हेल्ड मीटिंग्स. मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं सो एज टू हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स. इनकी केयर कैसे की जाए, इनको कैसे संभाला जाए, कैसे हमारे अपने कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हम इनको कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, इस दिन हम ये सब करते हैं. बिकॉज हेरिटेज इज़ अ की स्टोन ऑफ आवर कल्चर. हमारे कल्चर को हेरिटेज से ही, इससे ही दर्शाते हैं, ये हर दर्शाता है हमारे कल्चर को. तो इससे हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखभाल करनी है. इट्स आर मॉरल ड्यूटी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ आवर हेरिटेज. हमारी खुद की भी मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने हेरिटेज की, अपने मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करें. वी हैव सो मैनी मॉन्यूमेंट्स इन आर कुरुक्षेत्र ऑल्सो विच रिमाइंड्स अस द बैटल ऑफ महाभारत.
महाभारत की याद दिलाने वाली बहुत से मॉन्यूमेंट्स हमारे कुरुक्षेत्र में भी हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्म सरोवर, शेख चिले टॉम एंड और भी बहुत सारे, जैसे कि ज्योति सर, ब्रह्म सरोवर पे जो चैरियट है, ये सब हमें जो हैं हमारी धरोहर हैं। ऑल दीज आर मॉन्यूमेंट्स एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसको गंदा नहीं करना, ये सब हमारी ड्यूटी है। नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू डू ऑल द वर्कशीट्स रिलेटेड टू द टॉपिक इन योर ग्रामर बुक्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।